हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर कर चुके हैं एंड उसमें हमने देखा था कि जो अर्लियर पीपल थे वे लोग हंटर गैदरर्स थे। वे लोग वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे एंड जो प्लांट प्रोड्यूस होता था उसकी वो लोग गैदरिंग करते थे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे वो लोग फूड गैदरिंग के प्रोसेस से फूड ग्रोइंग के प्रोसेस पर आए। उनका फूड गैदरिंग से लेकर फूड ग्रोइंग का जो भी सफ़र था इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नैनुओं के लंच के बारे में बताया हुआ है कि नैनुओं अपना फेवरेट लंच कर रही होती है जो कि बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिंस एंड बीन्स और मीट होता है। एंड इसमें से जो स्क्वैश, पम्पकिंस एंड बीन्स होता है वो उसकी दादी ने उसके घर के पीछे जो छोटा सा गार्डन होता है उसमें उगाया होता है। एंड उसको याद आता है कि जब वो मध्य प्रदेश गई थी स्कूल ट्रिप से तो वहाँ का जो खाना था वो डिफरेंट था। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और मसालेदार था, तो वो ऐसा क्यों था? तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैरायटीज़ ऑफ फूड। तो देखिए, आज हम जो भी खाना खाते हैं चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, ग्रेन हो, मिल्क हो या फिर मीट हो, वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। जिन प्लांट्स को हमने ग्रो किया है यानी उगाया है और जिन एनिमल्स की हमने रेयरिंग की है यानी जिन एनिमल्स को हमने पाला है, उसी से हमें जो सारे फूड आइटम्स होते हैं हमें उसी से मिलते हैं। ओके, तो प्लांट एंड एनिमल जो है फूड के दो बहुत ही बड़े सोर्स हैं। तो डिफरेंट प्लांट को जो है वो डिफरेंट कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि राइस की खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और जौ की खेती के लिए कम पानी चाहिए जबकि राइस की खेती के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। यही वजह है कि राइस की जो खेती होती है वो मानसून या फिर रेनी सीजन में ही की जाती है। एंड इससे हमें पता चलता है कि जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो करते हैं। एंड डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनको भी डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि जो शिप एंड गोट है वो ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं हिली एंड ड्राई एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू कैटल, क्योंकि कैटल जो होती है वो बड़ी होती है, मतलब उसका शरीर भी भारी होता है एंड वो ड्राई और जो हिली एरियाज़ होता है उसमें ज़्यादा घास वगैरह भी नहीं होती, तो उसको वहाँ पर सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। एंड हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वुमेन एंड जो मैन थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही यानी हमेशा से ही फूड को जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया, वो पहले क्या करते थे? इसकी गैदरिंग करते थे। तो अब इसकी शुरुआत कैसी हुई ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा होता है एंड इसकी वजह से जो कई सारे जो प्लांट एंड एनिमल जिनका लोग एज ए फूड यूज़ करते थे वो ग्रो हुए एंड मैन एंड वुमेन और जो इनके साथ बच्चे थे उन लोगों ने इन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने देखा कि किस एरिया में यानी किस प्लेस पे जो एडिबल प्लांट्स हैं जो खाने योग्य पौधे हैं वो पाए जाते हैं एंड कैसे जो सीड्स है वो अपने स्टॉक से यानी जो डंठल है उससे बाहर निकलती है और वो ग्राउंड पे गिरती है एंड कैसे उसमें से जो स्प्राउट होता है यानी एक अंकुरण होता है और फिर एक न्यू प्लांट बनता है। लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की एंड उन्होंने इन पौधों की जो है देखभाल करना भी स्टार्ट की, उनको प्रोटेक्ट किया बर्ड एंड एनिमल्स से ताकि वो उनको नष्ट ना कर सके जब तक कि ये पौधे पक नहीं जाते। तो इस तरह जो लोग हैं वो फार्मर्स बन गए एंड इस पूरे प्रोसेस को करने में लोगों को लगभग कई हज़ार वर्ष लग गए। ऐसा नहीं हुआ कि ये सारा प्रोसेस एक दो साल में ही कंप्लीट हो गया। अब जो मैन वुमेन और बच्चे थे उन्होंने अपने घरों के आसपास फूड रखकर जो एनिमल्स थे उनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो फूड के सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। तो लोगों ने अपने घरों के आसपास ही फूड रखा ताकि जो एनिमल्स हो उनसे अट्रैक्ट हो सके और लोग उन्हें टेम कर सके और उन्हें पाल सके। जो फर्स्ट एनिमल था जिसे टेम किया गया था वो वाइल्ड एंसेस्टर था, डॉग का यानी कुत्ते का जंगली प्रजाति था एंड बाद में लोग जो है एनिमल्स को एनकरेज भी करने लगे कि वो उनके घरों के पास में आए और ये जो एनिमल्स थे इनमें से कुछ शिप गोट और कैटल जैसे एनिमल्स थे एंड इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स थे वो घास खाते थे। कि उन्होंने घास खाने वाले एनिमल्स को ही अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इन एनिमल्स से उनको कम डेंजर होता है। जो मीट खाने वाले एनिमल जो होते हैं वो उन पर ही अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे एनिमल्स को चूज़ किया जिनसे उनको कम खतरा हो जो घास खाते हों। एंड उसके बाद लोगों ने इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी किया वाइल्ड एनिमल्स के जो अटैक होते हैं उनसे एंड इस तरह जो लोग हैं वो हर्डर्स बन गए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है फार्मर्स एंड हर्डर्स का, इसे आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है डोमेस्टिकेशन।
डोमेस्टिकेशन क्या होता है? इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड एनिमल्स की देखभाल करते हैं। एंड जिन प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये लोग टेंड करते हैं वो वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड प्लांट्स से जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इन प्लांट एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि वे लोग ऐसे प्लांट एंड एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको डिसीज होने के चांसेस कम हो, यानी ऐसे एनिमल जो कम बीमार रहते हों। एंड ये लोग ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिनके जो ग्रेन के साइज हो बड़े हों और उनके जो स्टॉक्स हैं जो डंठल है वो भी मजबूत हो, ताकि जब तक की फसल पक ना जाए वो उसके वेट को कैरी कर सके। एंड उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सीड को जो है ये लोग प्रिजर्व करके भी रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इनको जो है वो सेम क्वालिटी के प्लांट्स एंड जो सीड्स है वो मिल सके। एंड इसके आगे बताया हुआ है कि जिन एनिमल्स को ये लोग ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर जेंटल एनिमल्स होते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड प्लांट्स से क्या होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि जो टीथ एंड हॉर्न्स होते हैं यानी दांत और जो सींग होते हैं वाइल्ड एनिमल के, वे बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के जो दांत और सींग होंगे वो छोटे होंगे, जबकि वाइल्ड एनिमल के जो दांत और सींग होंगे वो बड़े होंगे। एंड देखिए यहाँ पर तो पिक्चर भी दिखाई हुई है, ये टू सेट्स हैं टीथ के। एंड आपसे पूछा गया है विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वाइल्ड एनिमल के टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल के टीथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला टीथ है ये होगा हमारा वाइल्ड पिग का, एंड जो छोटा वाला टीथ है ये होगा हमारा डोमेस्टिकेटेड एनिमल का। देखिए जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है ये वर्ल्ड के कई सारे पार्ट में जो है वो चल रहा था। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। एंड आज जो भी प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं वो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। अगर डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता तो आज हमें इतने ईजिली जो है वो फूड अवेलेबल नहीं होता। एंड यहाँ पे कुछ अर्लीस्ट प्लांट्स बताए गए हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था, वो वीट एंड बार्ली थी। एंड जिन एनिमल्स को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था वो शीप एंड गोट थे, यानी भेड़ और बकरी जैसे एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी एक नए जीवन की शुरुआत। तो देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसको ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ वीक्स लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं और कई केसेस में तो कई साल भी लग जाते हैं। तो लोगों ने जब प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें एक लंबे समय के लिए एक सेम प्लेस पे रहना पड़ेगा ताकि वो प्लांट्स की जो है वो देखभाल कर सके। उनको प्लांट को वाटर देना होता, पानी देना होता था एंड वीडिंग करनी होती थी, एंड उनको एनिमल एंड जो बर्ड होते थे उससे उनको प्रोटेक्ट भी करना होता जब तक कि फसल पक ना जाए। एंड उसके बाद उनको जो है ग्रेन को काफ़ी केयरफुली यूज़ भी करना पड़ता था। एंड अब आगे बताया गया है कि ग्रेन को ये लोग दो तरीके से स्टोर करते थे, फर्स्ट जो है वो फूड की फॉर्म में एंड सेकंड जो है वो सीड की फॉर्म में। तो जो फूड वाला पार्ट होता था इसको ये लोग खाने के लिए यूज़ करते थे, जो सीड वाला पार्ट होता था इसको ये लोग नेक्स्ट टाइम जो है फसल उगाने के लिए उसका एज ए सीड यूज़ करते थे। तो जब लोगों ने सीड्स को स्टोर करना स्टार्ट किया तो लोगों ने इसके लिए कई सारे वेज ढूंढे। कई सारे एरियाज़ में क्या हुआ, लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बुनी और कई जगह पे लोगों ने ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद कर भी उसके अंदर सीड को या अनाज को उसके अंदर स्टोर किया। तो अब नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल्स। तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनकी देखभाल की जाए तो ये लोग हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का। हम जानते हैं कि मिल्क को हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं एंड मिल्क से कई सारी चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि बटर हो गया, चीज़ हो गया और भी कर्ड वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें हमें मिल्क से ही मिलती हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें एनिमल से मीट भी मिल सकता है। तो अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जिन एनिमल्स को रियर किया जाता है वो स्टोर ऑफ फूड होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी जो फर्स्ट फार्मर्स एंड फर्स्ट हर्डर्स थे उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो मैप 2 पे कुछ ब्लू स्क्वायर्स दिखाए गए हैं, यानी जो ब्लू स्क्वायर्स है वो साइट्स हैं जो कि जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली हर्डर्स जो है वो रहते थे। और ये जो साइट्स है वो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में पाई गई हैं, एंड इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में है जो कि इस टाइम पे कश्मीर में है, एंड दूसरी जो है ईस्ट एंड साउथ इंडिया में है।
तो हम मैप 2 में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पे उनको साइट्स मिली हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बुरझोम, मेहरगढ़, कोल्डीहवा, महागढ़, चिरांद एंड इसके नीचे फिर यहाँ पे हल्लूर, पयमपाली। तो यहाँ पर ये कुछ साइट्स है जहाँ पे एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ये जो साइट्स हैं ये सेटलमेंट थी या नहीं थी फार्मर्स एंड हर्डर्स की, इसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट है वो एविडेंस की स्टडी करते हैं, उन एविडेंस की जो इनको प्लांट्स के फॉर्म में एंड एनिमल्स की बोन्स की फॉर्म में इनको मिले हैं। एंड इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो है रिमेन्स ऑफ ब्रंट के, यानी जो जले हुए अनाज के जो रिमेन्स रह गए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा था कि जो अगर किसी अनाज के जो जले हुए जो पार्ट होते हैं वो उसी तरह जो है वो बचे रहते हैं उसी फॉर्म में। एंड इनको देख के ऐसा लगता है कि या तो ये गलती से जल गए होंगे या फिर इसे किसी ने जानबूझ के किसी पर्पज़ की वजह से जला दिया होगा। एंड साइंटिस्ट जो है वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो सब कंटिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती थी, उगाई जाती थी। एंड ये जो साइंटिस्ट हैं वो एनिमल्स की बोन्स को भी पहचान सकते हैं। अब टेबल 2 को देखना है, यहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं ग्रेन एंड बोन्स की फॉर्म में और ये इधर कुछ साइट्स थी वैसे ग्रेन्स एंड बोन्स है, इधर जो है साइट्स हैं। तो देखिए वीट, बार्ली, शिप एंड गोट, कैटल, ये कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं जो कि इस टाइम पर कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। एंड राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स ये कहाँ मिले, कोल्डीहवा मिले हैं। तो जो टेबल है इसको आपकी बुक में दिया हुआ है, इसे आप एक बार देख लेना। अब जो नेक्स्ट है वो है टूअर्ड्स अ सेटल लाइफ, यानी एक स्थायी जीवन की ओर, एक सेटल लाइफ की तरफ। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को हैं वो कुछ ट्रेसेस मिले हैं हट्स एंड हाउसेस के कुछ साइट्स पे। एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि बुरझोम में जो कि इस टाइम पे कश्मीर में है वहाँ पर उनको पिट हाउसेस के एविडेंस मिले हैं। ओके, पिट हाउसेस को वो लोग ज़मीन के अंदर जो है गड्ढा करके घर बनाते थे और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। एंड ये जो घर होते थे, ये जो पिट हाउसेस होते थे, ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे कोल्ड वेदर में। ओके, तो सर्दी से बचने के लिए लोग पिट हाउसेस बनाते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट को जो है खाना बनाने की जगह मिली इसके बाहर भी, हट के बाहर भी और हट के अंदर भी। तो ये लोग शायद मौसम के अकॉर्डिंग यानी वेदर के अकॉर्डिंग घर के अंदर या घर के बाहर जो है वो खाना बनाते होंगे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं कई सारी साइट्स पे। एंड ये जो स्टोन टूल्स हैं वो पेलियोलिथिक टूल्स से क्या है वो डिफरेंट हैं, इसलिए इन्हें नियोलिथिक टूल्स कहा गया है। एंड इन टूल्स पे इनको मतलब इनको नुकीला बनाने के लिए इसके ऊपर पॉलिश भी किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स भी मिले हैं जो कि ग्रेन को और जो भी प्लांट प्रोड्यूस होते थे उसको ये लोग पीसने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए उसको यूज़ करते होंगे। एंड हम देखते हैं कि जो मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स है वो आज भी यूज़ किए जाते हैं जबकि इतने टाइम हो चुका है फिर भी। एंड इसी के साथ साथ जो है लोग जो क्या करते थे, पैलोलिथिक जो टाइप के टूल्स थे, पैलोलिथिक टाइम के जो टूल्स थे उसको भी ये लोग यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि अब नियोलिथिक टाइम के जो टूल्स बनाने लग गए थे उन्होंने पैलोलिथिक टाइम के टूल्स को यूज़ करना छोड़ दिया था, वे लोग अभी भी इसको बनाते थे। एंड कुछ जो टूल्स थे वो हड्डियों के भी बनाए जाते थे। और इनको जो है कुछ अर्थन पोर्ट्स यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं एंड इसके ऊपर कई मिट्टी के बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन भी किया गया, इसको डेकोरेट किया गया है। एंड इनको वो लोग कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते होंगे, लोग जो है इन पोर्ट्स को कुकिंग के लिए यूज़ करते होंगे, खासकर जो राइस होती थी एंड वीट एंड जो भी अनाज होते थे इसको ये लोग इसमें स्टोर भी करते होंगे। एंड ये इन लोगों ने अब कपड़े बुनने भी स्टार्ट कर दिए थे, तो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स थे उसको ये लोग बुनते थे, फॉर एग्जांपल कॉटन के लिए। तो लोगों ने अब जो है अब कपड़े बुनना है इनको, तो कपड़े बुनने के लिए क्या चाहिए, इनको कॉटन चाहिए। अब कॉटन चाहिए तो इनको क्या करें, इनको क्या करना पड़ेगा, कॉटन के पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, यानी इन लोगों ने अब कॉटन की खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पूछा गया कि ये जो सारे चीज़ें चेंजेस हो रहे थे ये क्या हर जगह एक ही समान हो रहे थे, मतलब एक ही फॉर्म में हर जगह चेंजेस हो रहे थे? तो ऐसा नहीं है, कई सारे एरियाज में अभी भी जो मैन एंड वुमेन थे वो लोग हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे फूड की, और कई जगह पर लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग को अडॉप्ट कर लिया था धीरे धीरे। एंड कई सारी जगह पे लोग जो है वो कंबाइन एक्टिविटीज़ करते थे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग। वो तो हम अभी भी देखते हैं कि लोग डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस को लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं।
तो अब इसके आगे का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।